सो गाइस, अगर हम लोग यूट्यूब पे न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हैं, न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, उस कंडीशन हम लोग को जो है यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, तो जो भी वीडियो हम लोग को मिलता है वो सारा वीडियो हम लोग अपलोड कर देते हैं। कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है वो वीडियो आप बना के डाल देते हैं, कहीं पे कोई कुछ कर रहा है तो वीडियो बना के डाल देते हैं, या फिर हम लोग जो है कहीं मतलब डांस कर रहा है उसका वीडियो बना के डाल देते हैं, कोई बच्चा डांस कर रहा है उसका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर देखोगे कि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है, 10th क्लास 10th का यहाँ पे स्कूल में फुटबॉल मैच कुछ चल रहा था यहाँ पे वो वीडियो डाल दिया है। यहाँ पे देखो किसी दूसरे बंदे का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दिया है, और यहाँ पे देखो कि शॉर्ट वीडियो पे तो यहाँ पे फनी वीडियो बना रहा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन हम लोग सही तरह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, जो मर्जी होता है वो वीडियो हम लोग बना के डाल देते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। भाई सिर्फ क्या है, वीडियो बना के डालना है, कौन सा कैटेगरी है क्या है नहीं है वो हम लोग को पता नहीं होता है। तो उसी कंडीशन में हम लोग को अगर एक गलती करते हैं मेरे भाई, तो आगे चल के इतना आपको पछताना पड़ेगा ना, जिस तरह से मैं अभी अफसोस कर रहा हूँ ना उसी तरह से आप भी अफसोस करोगे। तो इसलिए आपको यूट्यूब पे अगर आप चैनल बनाते हो, यूट्यूब पे अगर आपको काम करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है मेरे भाई, तो आप जो मैं गलती बता रहा हूँ आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी भर पछता के मर जाओगे। जिस तरह मैं इतना अफसोस कर रहा हूँ भाई, मैं गलती की वजह से मेरे चैनल पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो मेरे को पता चल रहा है, वो गलती मैं क्या किया हूँ नहीं किया हूँ सारा प्रोसेस बताऊंगा मेरे भाई। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरे भाई, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अफसोस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे हम लोग को चैनल पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे हम लोग को चैनल पे दिक्कत क्या होता है, मैंने क्या गलती किया मैं अपने चैनल पे, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे वीडियो डाला था फुटबॉल मैच से रिलेटेड में, अगर भाई इसके रिलेटेड में अगर आप मतलब समझ लो एक वीडियो डाल दिया आप लोग फुटबॉल कैसे मतलब खेल रहा है यहाँ पे जो वीडियो मतलब यहाँ पे डाला था, ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये वीडियो अगर वायरल हो जाता है, ठीक है, ये वीडियो अगर वायरल हो जाता है इससे अगर आपका 500 सब्सक्राइबर मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको फुटबॉल मैच से रिलेटेड में अगर आपका 500 सब्सक्राइबर मिल जाता है, आप डालने लगे एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड में, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो फुटबॉल वाला मैच में जो आपका 500 सब्सक्राइबर आया था ना, आप वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करोगे ये क्या एजुकेशन से रिलेटेड में, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो 500 सब्सक्राइबर जो आपका आया था फुटबॉल वाला में, तो आपको यहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड में आपका वीडियो नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि आपको फुटबॉल से रिलेटेड उसको वीडियो पसंद था, आप जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे होगा क्या कि आप जो आपका फुटबॉल वाला जो 500 सब्सक्राइबर है वो क्या करेगा कि आपका एजुकेशन से वीडियो आप लोग डालने लगे, यानी कि आप फुटबॉल का मैच चला नहीं, फुटबॉल मैच का जो वीडियो था आप डाले थे 500 सब्सक्राइब का आया था इससे, ठीक है, 500 सब्सक्राइब का चैनल पे आ गया था, उसके बाद आप डालने लगे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड में, तो यहाँ पे क्या करेगा जो 500 सब्सक्राइबर जो आपको आया था फुटबॉल वाला में, तो यहाँ पे क्या करेगा उन लोग जो है अनसब्सक्राइब करने लगेंगे। अनसब्सक्राइब क्यों करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ भी वीडियो डालते हैं तो इसको मैं चैनल को सब्सक्राइब करके तो कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भाई जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, मेरे को वीडियो देखना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर देंगे, एक गलती जो है आप लोग करते हो और ये गलती का सजा आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये गलती आप नहीं कर रहे। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, बाद में बोलेगा भाई मेरा सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है, मेरे चैनल पे क्या गलती किया, मेरे चैनल पे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, फिर फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आप यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालने लगे, अगर इससे आपका 500 सब्सक्राइबर आ जाता है और आप यहाँ पे डालने लगे क्या फनी वीडियो, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भाई यहाँ पे पढ़ना चाहता है YouTube मतलब यहाँ पे जो लोग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन में, अगर उसको वीडियो दोगे एजुकेशन से रिलेटेड में, कुछ दिन के बाद आप बनाने लगोगे भाई क्या फनी वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई उसको पढ़ना है कुछ सीखना है आपको, जैसे मतलब यहाँ पे YouTube पे उसको वीडियो नहीं बनाना है, उसको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, क्यों भाई उसको पढ़ाई करना है, तो यहाँ पे जो पढ़ाई आप सिखा रहे हो ना उसके वजह से आपका चैनल को सब्सक्राइब किया और आप डालने लगोगे क्या फनी वीडियो शॉर्ट वीडियो, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई आपका चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि जो उसको सीखना चाहिए था इस चैनल पे, जो सीखने की उम्मीद से आपको चैनल को सब्सक्राइब किए थे उसको अनसब्सक्राइब मजबूरन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसको पढ़ाई सीखना है, पढ़ाई से रिलेटेड उसको जानकारी चाहिए होगा, ना कि आपको फनी वीडियो एंजॉय उसको करना है, इंजॉय तो बाद में करेगा ही करेगा, लेकिन उसको जो यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए थे। तो इस कंडीशन में इस तरह से अगर आप गलती करते हो मेरे भाई, तो आपका चैनल कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, आपका चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैंने वो गलती खुद अपने चैनल पे किया, वो मैं क्या किया वो भी मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ लो यहीं पे कि मेरे भाई अगर आप लोग यूट्यूब पे चैनल बनाए हो ना, अगर YouTube पे चैनल बनाए हो तो आपको एक ही कैटेगरी को फैन करना है, आपको एक ही कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर फनी वीडियो बना रहे हो, शॉर्ट वीडियो, अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हो भाई, एक चैनल पे दो वीडियो आपको नहीं बनाना है, वो भी बहुत ज्यादा गलती होगा कि आपका प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, अगर आपका एक चैनल है उस पर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, लॉन्ग भी बना रहे हो, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो शॉर्ट वाला सब्सक्राइबर रहेगा ना, वो आपका लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो वही देखता है जो उसको कम टाइम में ज्यादा जानकारी मिले, यानी कि कम टाइम में उसको मतलब ज्यादा जो सीखना चाहिए वो सीख जाता है, वही लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, वही लोग जो शॉर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वही अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो और आपका फेवरेट सब्सक्राइबर होगा, आपका जो मतलब ज्यादा आपका फैन होगा, उन लोग आपका वीडियो को देख सकते हैं, आप बोल दो भाई मैंने वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया, जाकर सपोर्ट करो, सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो यहाँ पे लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपका लॉन्ग
दोनों वीडियो का ज्यादा सब्सक्राइबर है तो आप स्टोरी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफेंट होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती होती, मतलब कुछ होता है। इसलिए भाई आपको क्या करना है कि जो भी चैनल एक चैनल है तो उसमें आप लॉन्ग वीडियो बनाओ या फिर शॉर्ट वीडियो बनाओ, दोनों बना रहे तो दोनों बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यूज पे यहाँ पे कम बेसी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते होंगे तो ज्यादा आपका चैनल पे लॉन्ग वीडियो अपलोड होता है तो उसमें शॉर्ट पे ज्यादा कम व्यूज आएगा, और ज्यादा शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो उसमें आपका लॉन्ग वीडियो पे कम व्यूज आएगा। ये तो मतलब कि इजी है कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप लोग समझ लो कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तो उस पर आपको न्यू चैनल न्यू यूट्यूबर के साथ ऐसा प्रॉब्लम जरूर होता है। न्यू यूट्यूबर जो होते हैं ना वो सभी यूट्यूबर के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी उसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था, जो कि मेरे को अभी तक उसका सजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहे हो ना कि भाई के चैनल पर देखोगे कि भाई ग्राम प्रकाश भाई के चैनल पर जो है 15,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन भाई चैनल पे व्यूज नहीं आता, भाई सही तरह से जानकारी नहीं देता है। मेरे भाई अब मेरा वीडियो को सारा वीडियो को देख लो, मैं हर वीडियो पे अच्छा तरह से जानकारी देता हूं, अच्छा तरह से समझाता भी हूं, लेकिन मेरा वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आता है? मैं आप लोगों को सबसे पहले वो जो सच्चाई है ना वो सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाता हूं, सच्चाई में बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरा ही चैनल पे आ जाओ ना भाई, मैंने वो गलती किया है इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीडियो क्या बनाया था, यहाँ पे देखो जाला फाइव स्टार कंपनी से रिलेटेड में, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो भाई कितना कितना व्यूज आया, यहाँ पे देखो कि सारा वीडियो पे जो व्यूज आया वो सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पे कितना आया होगा, वो जो सब्सक्राइबर यहाँ पे आया था अब मैंने बताने लगा कि यहाँ पे क्या था वो कंपनी से रिलेटेड में, अब क्या बताने लगा यूट्यूब से रिलेटेड में। तो भाई जो यहाँ पे कंपनी वाला जो लीडर था, जो भी कंपनी वाला यहाँ पे जो वीडियो देख रहा था, वो वीडियो क्या करेगा, वो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो नहीं देखेगा भाई, क्योंकि उसको यूट्यूब से मतलब ही नहीं है, यूट्यूब क्या होता नहीं होता उसको मतलब नहीं है, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मतलब था। तो यहाँ पे जो कंपनी वाला लोग जो सब्सक्राइब किए थे ना वो मेरा दूसरा वीडियो को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे समझ लो अगर 500 अगर 1,000-2,000 सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पे आया होगा तो यूट्यूब से रिलेटेड क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे? नहीं देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे होता क्या कि जो भी कैटेगरी आप एक सिलेक्ट करना भाई वही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह क्या होगा, ये हो गया मेरा कंपनी का, समझ लो कि यहाँ पे 1-2,000 सब्सक्राइबर मेरा इससे आ गया, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया, फिर यहाँ पे मैंने डालने लगा एप्लीकेशन से रिलेटेड में, या अपने कॉल डिटेल कैसे निकालें ये वगैरह वगैरह कुछ भी मतलब कि डालने लगे, तो वहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर आ गया, वहाँ पे भी वो कैटेगरी मैंने छोड़ दिया, फिर आ गया यूट्यूब पे रिलेटेड में, क्योंकि अदर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आने का चांसेस जो बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो मतलब अदर कैटेगरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन में रिलेटेड में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आता था, इस वजह से मैंने सब छोड़ के यूट्यूब पे आ गया, ठीक है, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड में आ गया। तो यहाँ पे वही कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे भाई की, यहाँ पे मेरा जो अदर अदर कैटेगरी का सब्सक्राइबर था एप्लीकेशन से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने यूट्यूब से रिलेटेड मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स को चूज़ किया, तो यहाँ पे जो भी मतलब अदर कैटेगरी का जो सब्सक्राइबर था वो मेरा यहाँ पे इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसका वजह से मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे व्यूज जो है बहुत कम आता है। कम व्यूज इसलिए आता है क्योंकि भाई मेरा जो वीडियो यहाँ पे देख रहा है लोग जो भी देख रहे हैं मेरे यूट्यूबर देख रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे यूट्यूबर लोग सब्सक्राइब किए ना वही सब मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इसका वजह से मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, व्यूज कम आते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको ये गलती नहीं करना मेरे भाई, अगर गलती करते हो मेरे भाई तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी कैटेगरी में आपको वीडियो बनाना है उसी कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, वही कैटेगरी का आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई हो, मेरे भाई पसंद आए तो प्लीज लाइक करना।